वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। सवाल क्या है तो जवाब भी सुनिएगा। कांग्रेस कमेटी जिला प्रवक्ता राजीव आखिल जी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से। जिला ब्यूरो राजेश जी, वाले राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, जी मेरे द्वारा सिवनी में लगभग 5 ग्रुप बनाए गए हैं। सिर्फ सदस्यों के आग्रह पर कि हमें आपके ग्रुप से जोड़ना है, तो मैंने ग्रुपों की संख्या बढ़ाई है और मुझे लगता है कि मुझे और भी ग्रुप की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। और जिस ग्रुप में यह पोस्ट डाली गई है उस ग्रुप की मेंबर आप भी हैं। आप ग्रुप चेक कर सकती हैं, ये राजीव अखिल जी ने डाला है कल संपन्न हुए स्वास्थ्य मेले को लेके, मंच पर बैठे यह चिकित्सक है। क्या ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ? राजीव अखिल जी आपने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। अपनी गरेबान तलाश कीजिए, जो एकता और अखंडता आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में है, क्या वह अखंडता और एकता आपके कांग्रेस में पूर्व से आज तक निर्मित है? यही एकता और अनभिज्ञता और दूसरों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली और दूसरों की लोकप्रियता से जलन रखने के उद्देश्य से बनी कांग्रेस में गुटबाजी के चलते, जहां स्वर्गीय ठाकुर हरवंश सिंह को इसी सिवनी विधानसभा से पराजय का मुंह गुटबाजी के चलते आप कांग्रेसियों ने दिखाया था, क्या यह सिवनी विधानसभा क्षेत्र से उस महापुरुष स्वर्गीय ठाकुर हरवंश सिंह से हैं, जो दादा ठाकुर के नाम से महाकौशल से मात्र एक नाम, संस्कार भानी से समूचे प्रदेश और देश में लोकप्रिय और विख्यात है, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन काल के दौरान गृह, परिवहन, वन और लोक निर्माण और लोक अभियांत्रिकी से लेके 7 और 8 अहम पदों के मंत्रियों का पद संभाले हुए कार्य करते रहे, और हार की कांग्रेस की हार और व्यापक रूप से पराजय होने के बावजूद भी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस कमेटी के प्रदेश जिला उपाध्यक्ष और विपक्ष की पार्टी के विपक्षी उपाध्यक्ष रहे ठाकुर हरवंश सिंह की पराजय के बाद कभी आपके कांग्रेस पार्टी जिसके आप प्रवक्ता बने घूमते हैं, कभी सिवनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीत पाई है? वो अलग सब्जेक्ट है कि यहाँ से भाजपा निरंतर जीतते आई है, किंतु उन भाजपा नेताओं की जीत का कारण भी वही स्वर्गीय श्री हरवंश सिंह जी हैं, जिन्होंने सौगंध खाई थी कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र से अगर गुटबाजी के चलते मेरी हार हुई है तो यही गुटबाजी आपके लिए नासूर बन जाएगी, और मेरे जीते जी सिवनी विधानसभा में कांग्रेस कभी काबिज नहीं होगी, यहाँ तक कि उनके मृत्यु उपरांत भाजपा तो नहीं निर्दलीय विधायक जीत गया लेकिन कांग्रेस को पते पत्ते में सिवनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने नहीं पूछा, उसके बावजूद आप जबरदस्ती मुंह लगने जैसी बात क्यों करते हो? यह सियानों की बात गलत सिद्ध नहीं होती,
कि कुत्ते के मुंह में अगर आप बांस डालोगे तो वो भौंकेगा। इस तरह की हरकत करके आप कांग्रेस की छवि को तो धूमिल कर ही रहे हैं। प्रदेश में तैनात अच्छे विवेक और केंद्र तक अपनी पहुंच रखने वाले और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री जो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से आज तक हार का मुंह नहीं देखा सम्मानी कमलनाथ जी जो जो प्रदेश के कांग्रेस जिला कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसी पद या नाम के मोहताज नहीं है। कम से कम उनके सपनों को और उनकी लोकप्रियता को पलीता जैसे लगाने का काम न करें। जिन्हें आप चिकित्सक कह रहे हैं वह चिकित्सक तो नहीं है लेकिन मार्गदर्शक जरूर हैं। गरीब असहाय निर्धन और समूचे जिले का व्यक्ति ने कल जब स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया है और बड़े बड़े विशेषज्ञ कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोगों का उपचार किया गया है और उक्त बैठे हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी मनवन, भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित आलोक दुबे जी, आपके जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मीना बसेन जी, आपके भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष युवराज रहंग डाले जी, अखिलेश खेड़ेकर जी जैसे व्यक्ति जो मंच में बैठे हैं, ऐसे मंचों में आपको जगह कभी दी गई क्या? ठाकुर हरवंश सिंह जी का कार्यकाल रहा हो या ठाकुर हरवंश सिंह का कार्यक्रम रहा हो, यहाँ तक कि आपके मुखिया राजकुमार खुराना जी भी सामने दीर्घ दर्शन में देखे गए हैं, मंच में तो कभी देखे नहीं गए हैं। राजा बघेल जी या आपके वर्मा परिवार के लोगों को मंच में बैठना उचित समझा गया, यहाँ तक हमारी छपारा के बिमला वर्मा समर्थक सूरजलाल बंजारा जी, स्वर्गीय ठाकुर करतार सिंह जी और आपके जिले के बहुत से हाजी मोहित खान जी इत्यादियों को मंच में जगह दे दी गई हो, लेकिन सिवनी के कोई वरिष्ठ नेता का नाम चिन्हित करके बताओ जो ठाकुर हरवंश सिंह जी के किसी विशेष कार्यक्रम में या स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला सिंह जो हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, उनके कार्यक्रम के दौरान आपके सिवनी के किसी विशेष नेता को उस योग्य समझकर उनके बराबरी का दर्जा देकर बिठाला गया हो, जो आप इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इससे आपका विवेक और कांग्रेस की विवेकता का पता लगता है कि आप यहाँ से किस उपलब्धि को लेकर खड़े होंगे और आप विजय हासिल कर लेंगे। स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात ली जाए तो COVID-19 की दो लहरों में आपके ही ये चहेते नेता अपने एसी रूमों में बैठकर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते थे और जब हमारा क्षेत्रीय विधायक अपनी पूरी विधायक निधि जिला चिकित्सालय को कोविड जैसी महामारी के दौरान प्रदान कर देता था, तो यही अरे आपके वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये टिकट पणिया करते थे कि जब तक विधायक निधि पास होगी हजारों लोगों की मौत हो जाएगी, जिसे ध्यान में रखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ही विधायक की प्रतिष्ठा दांव में लगी देखकर आदेश जारी किए कि तत्काल विधायकों की विधायक निधि शीघ्र स्वीकृत की जाए। यहाँ तक विपक्ष में रहते हुए आपके योगेंद्र बाबा लखनऊ विधानसभा के और ये लीपने के न पोतने के बरघाट विधानसभा के अर्जुन ककोड़िया जी उसी विधायक निधि में स्वास्थ्य सुविधा देते रहे, वो भी घर में बैठ के न कि जिला
चिकित्सालय या संबंधित चिकित्सालय में पुरस्कार, और हमारे क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय और यही राजेश जिला ब्यूरो साथ में कोविड वार्डो में घुस घुस कर लोगों की लाश उठाता गया, और अपने वही क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय है जिसे आप मंच में बैठा चिकित्सक मान रहे हैं, वो अपने भाइयों की चिता को आग देने के पश्चात उसकी चिता भी ठंडी नहीं हो पाई थी और ऑक्सीजन समस्या मुंबई जिला चिकित्सालय में खड़ी थी। दौड़ कर आके देखा कि ऑक्सीजन उपकरण बिगड़े पड़े हैं, तो वो स्वयं सुधार रहा था और ये जिला ब्यूरो जबरदस्ती उससे बकवास कर रहा था टेक्नीशियन से कि एक ही कर्मचारी ऑक्सीजन लैब में है क्या। जब उस क्षेत्रीय विधायक ने उसे डांटा था तो उलट के जवाब दिया था उसी ब्यूरो ने कि अभी भैया की आंख ठंडी नहीं हुई है और आप चले आए, जिस पर क्षेत्रीय विधायक चुप हो गया, उसे एक जवाब नहीं दे पाया और नौकर जी से बात करने लगा। जब वो मंजर देखा है आपने, किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की माँ विधवा हुई है, किसी के बच्चे विधवा माँ बाप त्याग चुके हैं, ऐसी महामारी बीमारी के दौरान आप लोग हंसी का पात्र बनाए हुए थे हमारे क्षेत्रीय विधायक और पंडित आलोक दुबे जी को, तो थोड़ा शर्म और अपने विवेक का काम लिया कर रहे हैं राजेंद्र वकील जी। अगर आप एक जिम्मेवार पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो प्रवक्ता की हैसियत से अपने विवेकता के अनुसार टीका टिप्पणियां करिए। ग्रुप में अगर आपको रहना है तो ग्रुपों का नियम का उल्लंघन मत करिए, नहीं तो आपसे भी बड़े बड़े महावीरों को हमने अपने ग्रुप से निकाल दिया है और यहाँ तक कि दूसरे ग्रुपों को तक छोड़ दिया है कि हमारे ग्रुप में वे ही लोग रहेंगे जो ग्रुप का निर्माता निर्देशक क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय है, जिसका संचालन और एडमिन हम स्वयं है। अच्छी अच्छी हस्तियों को बाहर निकाला है, यहाँ तक क्योलारी विधायक राकेश पाल सिंह जी ने भी नियम का उल्लंघन किया था, जो ग्रुप सिर्फ शोक की दृष्टि से बनाया गया था कि सिर्फ इसमें शोक व्यक्त करने जैसी या श्रद्धांजलि जैसी अर्पित करने वाले ही संदेश डाले जाए, अन्य पोस्ट वर्जित है। जब हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई स्वरूप और राकेश पाल जी हमारे अंकल स्वरूप को हम बाहर निकाल सकते हैं, और जहां हमारी प्रदर्शिता लगी रही हो और जिला पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण हुआ हो और उसको लेके हमने क्षेत्रीय विधायक को घेरा हो, और जब क्षेत्रीय विधायक स्वयं हमारी बात मानने सहमत नहीं था तो हमने क्षेत्रीय विधायक तक को ग्रुप से निकाल दिया, क्यों ना आपको विवेक की कमी होने के कारण और उल्लंघन मानते हुए आपको ग्रुप से निकाल कर आपकी औकात बकात दिखा दी जाए, तो फिर आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि ऐसा छाया चित्र देख कर आप तो हंसी का पात्र बने ही और कांग्रेस को हंसी का पात्र राजधानी चैनल का राजेश सिवहरे बना दे। कम से कम इस मर्यादित और सम्मान से अछूते आप ना रहे, इसलिए ग्रुप से अभी नहीं निकाला जा रहा है। अगर ऐसी दोबारा आपने हरकत की तो आपके अल्प विवेक के चलते ग्रुप से निकाल के आपकी औकात बखत दिखा दी जाएगी। जी अनामिका जी, जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।